नाम है डॉक्टर यश कोठारी। आज अपन देखेंगे काउंसलिंग की प्रोसेस कैसी होती है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उसमें क्या क्या अपने को डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, बड़ा वीडियो में बने रहना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा वीडियो के एंड तक। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे जाना है। इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC.NIC.in, ये आपकी ओरिजिनल वेबसाइट होती है, इस पर आपको ध्यान देना है। ऐसी बहुत सारी फेक वेबसाइट होती है, उस पर ध्यान नहीं देना है ना, फेक लिंक्स होती है। आपको क्या करना है, जो MCC की साइट है ओरिजिनल MCC.NIC.in, इसी पर जाना है और इस पर आपको क्या करना है, UG का जो मेडिकल कोर्स है, आप UGC वाले तो आपको UG मेडिकल कोर्स पे जाना है और इस पर आपको जाना है काउंसलिंग शेड्यूल पर। काउंसलिंग शेड्यूल में आपको सारी डेट्स मिल जाएगी इसमें, राउंड्स की, फर्स्ट राउंड कब है, सेकंड राउंड कब है, सीट अलॉटमेंट का, रिपोर्टिंग टाइम, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और इसी में आपकी अवेलेबल होता है कि लास्ट ईयर जो बच्चों की रैंक आई थी उनको कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए थे, कौन कौन से उनकी सीट अलॉट हुई थी, उस बेसिस पर आप खुद का देख सकते हो। जैसे आपकी 10,000 रैंक आई है तो लास्ट ईयर देखो कि 10,000 रैंक पर कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए थे, तो उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है चॉइस फिलिंग करने का। ठीक है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसके हिसाब से उसके ऊपर का उसके नीचे का वो आप चॉइस फिल में करते हो। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको लास्ट ईयर का मिल जाता है और आपको कहाँ पर सारी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, सारी आपको डिटेल्स मिल जाएगी काउंसलिंग की, यहाँ पर मिल जाएगी टेस्ट वगैरह। वापस से मेन साइड आपकी है और आपको जाना है UG कोर्स में जाना है। अब इसमें आपको डेट दे रखी है कि आपके फर्स्ट राउंड कब से स्टार्ट होगा, सेकेंड राउंड कब से स्टार्ट होगा, थर्ड कैसे होगा, फोर्थ कैसे होगा। ठीक है, फर्स्ट के लिए आपको दे रखा है 14 अगस्त से 15 अगस्त। आपका देखो पहले तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है या चॉइस फिलिंग रोकेंगे, यहाँ पर आपका सीट अलॉटमेंट है और आपका रिजल्ट है और आपका रिपोर्टिंग है कब आपको ज्वाइन करना है कॉलेज को। अब इस डेट पर अपन क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का आपको टाइमिंग दे रखा है, तब आप चॉइस फिल कर दोगे। चॉइस फिलिंग कैसे करना है आपको अच्छे से बताऊंगा मैं बाद में, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट कब हो जाता है और आपका रिजल्ट कब आ जाएगा और आपको कब आपका जो भी अलॉटेड कॉलेज है वहां पर आपको कब रिपोर्ट करना है। जैसे फर्स्ट राउंड का हो गया ये, वैसे आपको आगे सारे राउंड का दिखेगा, सेकेंड का, थर्ड का, सब में सेम प्रोसेस होती है। सेकेंड में आपका क्या है, सेप्टेम्बर में है ये, ठीक है, 4 सेप्टेम्बर में वही रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, अलॉटमेंट, रिजल्ट, रिपोर्टिंग टाइम, इसके अंदर आप करेगा सेप्टेम्बर और आप 5 सेप्टेम्बर को आपको करना रजिस्ट्रेशन और आपका इसमें रिजल्ट आ जाएगा 13 को और आपको कब रिपोर्ट करना है, ये आपका ड्यूरेशन है इसमें आपको रिपोर्ट करना है। ये हो गया सेकेंड राउंड का आपका। थर्ड राउंड का थर्ड राउंड में अपन क्या करेंगे कि अपन को 25 को पहुंचना है, 25 को अपन को कराना है क्या, रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, चॉइस स्क्रीनिंग कर देंगे, सीट अलॉट कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा 5 को और अपना रिपोर्टिंग टाइम है। सब राउंड में सेम है, आपको सारा डॉक्यूमेंट्स में दे रखा है कि आपको जितनी भी डेट है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो और उस दिन आप सारा काम कर सको। अब देखो ये क्या चीज है, अपन जब ऑल इंडिया की कोटा की बात करते हैं तो देखो स्टेट में क्या होता है, 100% सीट होती है तो उसमें क्या होता है कि 15% ऑल इंडिया कोटा में जाती है। स्टेट की जो भी सीट है वो 15% किसमें जाती है, ऑल इंडिया कोटा में जाती है और 85% स्टेट कोटा में जाती है। 15% किसमें जाती है, ऑल इंडिया कोटा में, और 85% किसमें जाती है, स्टेट कोटा में। तो जैसे कि मध्य प्रदेश में टोटल अपन मान के चलती है 1,000 सीट है तो अपनी ऑल इंडिया कोटा में कितनी चल जाएगी इसकी 15%, मतलब मान लो 150 सीट जो है आपकी चली जाएगी ऑल इंडिया कोटा में और आपकी 850 सीट किसमें जाएगी, स्टेट में, स्टेट काउंसलिंग में अलॉट होगी। अब इसमें क्या होता है, कौन कौन सी सिटी इसके अंदर आती है, एक तो अपना ये 15% ऑल इंडिया कोटा जो मैंने जैसे आपको बताया है, इसके बाद BHU, एम्स, जिपमर, AMU, 15% अपना DU और IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस आ जाएंगे और जामिया क्या आ जाएंगे, ACIS की 15% आ जाएगी और 100% देखिए अपनी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती है उसकी 100% सीटें यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो मैंने आपको बता दी ये जो सीटें अपनी सारी रहती है किसमें रहती है, 15% जो अपना रहता है ऑल इंडिया काउंसलिंग में कौन कौन सी सीटें आती है। अब अपन आते हैं राउंड पर, राउंड क्या होते हैं,
मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कब होता, सेकंड कब होता, थर्ड कब होगा, फोर्थ कब होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। थर्ड राउंड आपका होता है मोपअप राउंड और फोर्थ होता है आपका हिस्ट्री वैकेंसी राउंड। यहाँ पर आपको फिजिकली अवेलेबल होना पड़ता है, या फिर राउंड हो गए। और अपन देखो काउंसलिंग की जो फीस होती है ना, अगर अपन 15% ऑल इंडिया कोटा टीप यूनिवर्सिटी की अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। रजिस्ट्रेशन फी आपकी नॉन रिफंडेबल होगी अगर आप जनरल के हो या कैटेगरी के हो, डिपेंड नहीं करता है, बस फीस पे डिपेंड करता है। जैसे आपको क्या है, नॉन रिफंडेबल आपकी रजिस्ट्रेशन फी है, जनरल के लिए कितनी देगी 1000 और कैटेगरी के लिए देगी 500, ये आपकी होती नॉन रिफंडेबल। अपन बात करते हैं सिक्योरिटी डिपोजिट। सिक्योरिटी डिपोजिट होता है आपका रिफंडेबल, और जनरल के लिए होता है 1000, 10000 और कैटेगरी के लिए होता है 5000। जनरल के लिए कितना होता है 10000 और कैटेगरी के लिए होता है 5000। अब अगर ड्यूम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं अपन, तो ड्यूम यूनिवर्सिटी में आप कैटेगरी के हो या जनरल हो सेम लगता है। आपका रजिस्ट्रेशन फी कितना लगता है 5000, और आपका रिफंडेबल जो आपकी फीस रहती है वो कितनी लगती है डिपोजिट 2 लाख, या आपको फीस में एडजस्ट हो जाती है। मान लो आप वही कॉलेज अलग अगर लेते हो, उस कॉलेज में मान लो 10 लाख फीस है, तो 2 लाख आपको उसमें डिडक्ट हो जाता है, तो ये रिफंडेबल हो गया। ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें स्टेप क्या होती है, अपन जब भी काउंसलिंग कर रहे हैं तो स्टेप क्या होती है, सबसे पहले अपन इसमें क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते और पेमेंट करते। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको वेबसाइट ध्यान रखना है mcc.nic.in, इसी वेबसाइट पे आप जाओगे, वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है और वहीं पर आपको पेमेंट करना है। एक बात ध्यान रखना, आप जब भी रजिस्ट्रेशन करो तो मोबाइल नंबर और आपकी जो मेल आईडी है वो सेम होना चाहिए, जो आपने नेट के फॉर्म में फिल किया, उसमें डिफरेंस होगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर की डिटेल और ईमेल की डिटेल वही भरना है जो आपकी आपने नीट के फॉर्म में फिल की थी। चलो रजिस्ट्रेशन तो आपका हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग में आपको देखो पहले तो चॉइस फिलिंग करना है, उस चॉइस फिलिंग को फिर लॉक करना है। तो चॉइस फिलिंग करना कैसे होती है, देखो एक बंदा है उसकी रैंक मान लो 50 है ऑल इंडिया, अब उसको चॉइस फिलिंग करना है। अब उसे पता है कि उसे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एम्स हो गया, एमएमसी हो गया, तो उसे चॉइस फिलिंग में ये भर गया, ज्यादा टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कोई बंदा है जिसकी 25,000 रैंक है और उसको भी चॉइस फिलिंग करना है, तो वो कैसे करेगा, बहुत सारे कॉलेज होते हैं, तो किस बेसिस पर वो चॉइस फिल करेगा कि हाँ मुझे ये कॉलेज ऊपर रखना है, ये कॉलेज नीचे रखना है। तो क्या होता है कि मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर की जो लिस्ट है, जैसे आप 25,000 है तो आप लास्ट ईयर की लिस्ट में देखोगे 25,000 में कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए, तो आप क्या करोगे, जो कॉलेज अलॉट हुआ उसके ऊपर के कॉलेज फिल करोगे, जो अलॉट हुए वो और जो उसके थोड़े से नीचे हुए। ठीक है, तो आप कौन कौन से इसमें फिल करोगे, तो अपर वाले, मिडिल वाले और लोअर वाले। पर एक बात इसमें ध्यान रखना कि वो आपको फिल नहीं करना है जो आपको लगता है कि चाहिए ही नहीं, ऐसे कुछ कॉलेज ऐसी कोई जगह लोकेशन है जो आपको लगता है कि मुझे वहां जाना ही नहीं है, अगर आपको वहां जाना नहीं तो फिर मत करो, क्योंकि अगर अलॉट हो गया तो फिर आपको जाना पड़ेगा। तो चॉइस फिलिंग इसलिए आपको केयरफुली करना पड़ती है, और आपको कैसे करना है मैं बता चुका हूँ, है ना, आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि उस फ्रेम पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, उसके बाद आपको लॉक करना है, आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया है उसको आपको लॉक करना है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लॉक कर दो, वैसे ऑटो लॉक हो जाता है, बट इस चीज आप लॉक कर दोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपनी नेक्स्ट प्रोसेस आती है सीट अलॉटमेंट। आपने चॉइस फिल कर दिया, आपने कॉलेज फिल कर दिया सारे, उसके बाद आता है आपका सीट अलॉटमेंट। आपको एक सीट अलॉट होती है कॉलेज में। ठीक है, आपके रैंक के बेसिस पर, आपकी कैटेगरी के बेसिस पर आपको सीट अलॉट हो गई। अब आपको सीट अलॉट हो गई है, अब सीट अलॉट होने के बाद क्या करोगे, आप कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिटेशन करोगे। वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फीस देना पड़ेगी। और अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है, फर्स्ट राउंड में आपको लग रहा है कि यार मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, या फिर आपका जो एक्सपेक्टेशन था वो कॉलेज नहीं मिला, आपको लगता है कि अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो। वहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि मैं अपग्रेडेशन के लिए डाल रहा हूँ, तो वहां पर आपको फिर जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसकी जेरोक्स देना पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि अपग्रेडेशन नहीं करना है, जो आपको कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं ये अपन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, डॉक्यूमेंट आपको छूटना नहीं चाहिए। तो वो क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 12 का हो गया मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, नेट का एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं तो आप निकाल सकते हो ऑनलाइन, नेट का कन्फर्मेशन फॉर्म, नेट का स्कोर कार्ड, है ना, आप इसका एसएससी लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पता होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी के तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा और
एट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगे आपके, और आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अगर आधार कार्ड है तो वो, अगर पैन कार्ड है तो वो, या फिर पासपोर्ट साइज का पासपोर्ट लगेगा। उसके बाद अपन आते टीसी, टीसी पर जो अपना स्कूल से आपको देते टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने ड्रॉप किया है तो आपको लगेगा गिफ्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये अपन किसकी बात करते हैं, ऑल इंडिया की। अब आप अगर आप स्टेट काउंसलिंग की बात करते हो, स्टेट काउंसलिंग में आपका एक अलग से डॉक्यूमेंट एड हो जाता है जो आपका डोमिसाइल होता है उस स्टेट का, उस स्टेट का आपका एक डोमिसाइल होता है वो इसके अंदर एड हो जाता है। सारे डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं ऑल इंडिया के और स्टेट के, उसमें आपका बस एक डोमिसाइल होता है और सारी प्रोसेस भी सेम होती है। ये तो मैंने ऑल इंडिया का देख लिया। अगर आप स्टेट काउंसलिंग की बात करो तो जितने स्टेट है उनकी अलग अलग वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उनकी कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है, उसमें भी फर्स्ट सेकेंड ऐसे राउंड होते हैं, उसमें आपको चॉइस फिलिंग करना होती है स्टेट रैंक के बेसिस पर। वो चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर आपको सीट अलॉट होगी, सीट अलॉट होने के बाद आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज में, कॉलेज में फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिटेशन होगा, जो आप जो ऑल इंडिया में हुआ सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आपका एक्स्ट्रा लग जाता है, आप जिस भी स्टेट के हो उस स्टेट का डोमिसाइल।